उत्तरकाशी से आती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने अभी रहने का कर रखा है इससे इसकी वजह से। हाँ, कैसे हमारे घर वाले हमारे पैसे कर रहे हैं ये नहीं देख रहे वो लोग, कैसे बच्चों को छोड़ के आते हैं, इतना परेशान कर दिया, कब सुनेगी सरकार। हमारी डिग्री डिप्लोमा लेके चला दो भाई, क्यों करवाया हमसे। ऊपर से ये 22,000 का झूठा दिलासा दे रहे हैं कि अभी विज्ञप्ति निकल रही है, मत करो ना ये। इतना झूठा दिलासा क्यों दे रहे भाई युवाओं को। ऊपर से कह रहे युवा सरकार, क्या युवा सरकार है, खाक युवा सरकार है, ऐसी सरकार तो ना ही हो। अच्छा है ना हो इस देश में ये सरकार, सब अपना अपना करेंगे, खेती करेंगे लोग। क्यों दे रहे हैं ऐसे झूठे दिलासे, पागल बना के रखा हुआ हम लोगों को। इतने दिन होंगे, कितने दिन भूखे रखेंगे इन लोगों को। ऊपर से कोई सुध लेने नहीं आता, कोई पूछने नहीं आता है। अभी आप तो एसी में बैठे हुए हैं, अच्छे से अपना फाइल चेक करते हैं आराम से, जनता दरबार में जाओ सुनने का ढोंग करते हैं कि हम इनकी सुनेंगे, एक भी सुनते हैं ये लोग, कुछ नहीं सुनते ये। ऐसी भीड़ में आगे चले जाएंगे, हाँ तुम्हारा करेंगे, क्या किया इन्होंने, कितने दिन बैठाएंगे ये, ऐसे ही करते रहिए, पूरा परिवार आके बैठेगा सबका, और सरकार के घेराव कर देंगे वहां पे, कैसे नहीं करेंगे ये लोग हमारा काम, करना पड़ेगा उन लोगों को। 102 की बात है सर, पूरा देश देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं ये 102 को, एक पूरा देश 102 को तो रिजल्ट जारी कर नहीं रहे। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, कि प्लीज हमारी सुने, फटाफट हमारा रिजल्ट जारी करें सर, हमारी विनती है, हम प्यार से अभी कर रहे हैं, हमारी कंडीशन देखो सर कैसे है। जी जी जी, जी। और मैं कुछ